6K. Great success. ये 6K special. ये जो product है ये actually मेरा bike का एक accessory है. Bike पे C1 और C2 apply करेंगे. है. Means a lot. आज मैं यहाँ पे आया हूँ Alpine Star का एक jacket लेने. 6K special पे. आप लोगों के लिए हमने ये लाया अपना गैरेज पे. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज केतन. वेलकम बैक टू माई व्लॉग गाइज. ये वही केतन है जिसने आज से 8 महीने पहले ठीक इसी वक्त अपना पहला व्लॉग अपलोड किया था. एंड आज 8 महीने बाद लगभग 205 व्लॉग्स के बाद आपका केबी भाई का चैनल 6K टच करने वाला है आज. तो इट वाज द बिगेस्ट रीजन टू स्टार्ट दिस व्लॉग इन दिस इवनिंग. एक्चुअली मेरा व्लॉग करने का प्लान था कल सुबह का, पर क्या करूँ गाइस, इसे कैसे मिस करूँ. उसी कारण सोचा क्यों ना इतना अच्छा सा सीन हो रहा है हमारे सामने, उसी को कैप्चर किया जाए. तो गाइज हुआ ये है कि अभी से लगभग 3 घंटे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था. तब मेरा सब्सक्राइबर्स लगभग था 5979 एंड उसी के नीचे मैंने लिखा कि मोस्ट प्रोबेबली 6K बाई टुमारो, मतलब कल तक हम लोग 6K कंप्लीट कर लेंगे. पर आप लोग तो चुप बैठने वालों में से नहीं हो, लगता है आज ही 6K कर दोगे. अभी एक बार चेक कर लेता हूँ कितना हुआ है. 5996 हो रहा है अभी और 4 सब्सक्राइबर्स बाकी है टू टच 6K. कभी सोचा नहीं था कि आप लोग मुझे इतना जल्दी इतना ज्यादा सपोर्ट करने वाले हो. सब सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सीधा बात है, आप नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते. तो गाइस यहाँ पे बैठ के मैं और मम्मी यहाँ पे स्क्रीन ही देख रहे हैं सामने, एंड एक के बाद एक बढ़ रहा है वो हम लोग आंखों के सामने हो रहा है. अभी तो फिलहाल 5999 हो गया है एंड खुशी खुशी बहुत ज्यादा हो रहा है. बोल नहीं सकता ये कितना खुशी हो रहा है. हो जा भाई जल्दी से 6K, हो जा. एक अपडेट मैं आपको देता हूँ, अभी भी सब्सक्राइबर्स जो है वो 5999 है, पर चैनल पे जो है वो राउंड फिगर पे दिखाया जाता है, तो अपना चैनल पे 6K ही दिखा रहा है. तो लेट्स एज्यूम दैट हम लोगों का 6K हो गया है. लेकिन यूट्यूब स्टूडियो पे अभी भी 5999 है और अपना चैनल पे जाने से 6K दिखा रहा है राउंड ऑफ. तो अभी और थोड़ी देर वेट करते हैं तो ये भी पूरा 6K हो जाएगा. तो पार्टी गाइज, फाइनली गाइज 6K डन. ग्रेट सक्सेस. फिलहाल तो टाइम इज 10:53 एंड अभी लाइक बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तो सो जाता हूँ कल सुबह उठ के व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ. सी यू गाइस टुमारो. तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग. अभी का सीन कुछ ऐसा है, मेरे पास आ गया है एक कूल सा प्रोडक्ट. अभी इसको हम करने वाले अनबॉक्स. आप बोल सकते हो कि ये 6K स्पेशल. ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली मेरा बाइक का एक एक्सेसरी है जो कि मुझे मदद करने वाला है व्हील्स एंड ऑल साफ करने में. इसका एग्जैक्ट नाम जो है वो तो खैर मुझे मालूम नहीं, पर कोई नहीं ये आ गया. खोल के दिखा देता हूँ कैसा दिखता है क्या नहीं. बहुत सही से काम कर रहा है. अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम क्या करेंगे बाइक पे C1 और C2 अप्लाई करेंगे. इसका चेंज जो है उसे आज हम लोग थोड़ा मेंटेन करने वाले हैं. बाइक का भी हालत पूरा खराब हो रखा है, तो बाइक को भी एक बड़ी वॉश कर लेंगे हम लोग. तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग हमारा बाइक का वॉशिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या करना होता है, C1 जो है उसे चेन पे अप्लाई करना होता है. उसके बाद थोड़ा 1.5 किलोमीटर तक आप चलाओ. चलाने के बाद उसे आप ब्रश से साफ करो, जो ब्रश यहाँ पे रखा हुआ है. उसके बाद आप बाइक को वॉश कर सकते हो, तो मैं उसके बाद बाइक को वॉश करूंगा. एंड द लास्ट स्टेप इज C2, तो C2 हम लोग लास्ट में अप्लाई करेंगे. तो अभी फिलहाल हम लोग C1 सबसे पहले अप्लाई करके रखते हैं, चेन को थोड़ा साफ होने देते हैं. तो गाइस इस पे हम लोगों ने C1 अप्लाई कर दिया है एंड 2-3 मिनट तक मैंने इसको घुमाया भी है इसका पहिया को. तो क्या होगा, C1 जो है वो चेन का अंदर तक चला जाएगा पूरा, और चेन का अंदर तक अगर चला गया तो सही बात है. और अभी यहाँ पे हम वापस से C1 अप्लाई करने वाले हैं, उसके बाद बाइक को लेके जाएंगे वॉश करवाने. गाइस बाइक पे हम लोगों ने C1 अप्लाई कर दिया एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ माय हैंड, पूरा एकदम ब्लैक होके रखा है. और अभी क्या करेंगे हम लोग बाइक को करेंगे साफ. तो बाइक साफ करने से पहले मैं गाड़ी निकालता हूँ एंड बाइक को यहाँ पे पार्क करता हूँ.
जहाँ पे बाइक पे हम लोगों ने ऑटोमैक अप्लाई कर दिया अपने फ्रंट व्हील पे, वैसे बाइक का वॉशिंग का सारा काम हो गया कम्प्लीट। अभी रियर व्हील पे ऑटोमैक अप्लाई करना है, उसके बाद हम लोग चेन ल्यूब करते हैं। गाइस, अगर भगवान ने मुझे कभी ऐसा विश मांगने को बोला, एक विश मांग लो जो मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, तो मैं एक ही विश मांगूंगा, दैट इज की पूरा जिंदगी मेरा बाइक का व्हील ऐसा ब्लैक होना चाहिए। गाइस, ऐसा ब्लैक व्हील्स अगर मिल गया ना, और क्या चाहिए। इसी व्हील को देखने के लिए स्पेशली मैं मेरा 2 घंटा 2.5 घंटा स्पेंड करता हूँ बाइक को साफ करने में। और आज तो वैसे ये नीचे का जो रोलर है वो आ गया, इसलिए काम बहुत ही जल्द जल्द हो रहा है, नहीं तो यही काम करने में मुझे बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा समय, क्योंकि मिडिल स्टैंड है नहीं, पहिया घूमता नहीं है जगह पे। थोड़ा साफ करो, फिर बाइक को आगे बढ़ाओ, वापस साफ करो, वापस आगे बढ़ाओ, ऐसा करके करके करता था। तो आज ये आ गया। एनीवेज, अभी चेन पे हम लोग ल्यूब करते हैं। तो वैसे गाइस, बाइक का सारा काम हो गया है कंप्लीट एंड मैं फिलहाल आ गया ऊपर। टाइम हो रहा है लगभग 12:30 एंड 1:30 से है मेरा कॉलेज। अभी का प्लान कुछ ऐसा है, मैं जाऊंगा नहाने, नहा धोवा के आऊंगा रेडी होके कॉलेज के लिए निकलूंगा। कॉलेज के बाद है आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज लेडीज एंड जेंटलमैन, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। फिलहाल तो मैं नहा धोवा के आता हूँ, आके कॉलेज को निकलता हूँ। गाइस, यहाँ पे आपका केबी भाई हो गया रेडी कॉलेज के लिए एकदम स्मार्ट बन के। एनीवेज, टाइम हो रहा है 1:10 एंड यहाँ से मुझे कॉलेज जाने में लग जाएगा ऑलमोस्ट 10 मिनट। अभी फिलहाल मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ एंड जाके अपना क्लासेस अटेंड करके आता हूँ। बहुत दिनों बाद आज मैं टाइम पे घर से निकल रहा हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। तो गाइस, फिलहाल मैं घर आ गया हूँ, कॉलेज गया था कितना स्मार्ट बन के और आया हूँ कितना अनस्मार्ट बन के। वैसे मेरा चैनल पे व्लॉग्स देखोगे तो ऐसा लेम जोक्स का आदत डाल देना। अभी का प्लान कुछ ऐसा है, मैं निकलने वाला हूँ, कहाँ जा रहा हूँ क्या नहीं वो तो खैर मैं आपको बाइक में जाकर बताता हूँ, अभी फिलहाल मैं रेडी होता हूँ। तो इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ गए हैं अंबिका पट्टी। यहाँ पे एक्चुअली मैं जा रहा हूँ PS भैया का घर, मुझे एक्चुअली एक चीज लेना है, वो चीज क्या है दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। चलते हैं। So guys, here is our PS bro. Hey. कैसे हो आप लोग? बहुत ही बढ़िया, मतलब कि मैं शॉक्ड हूँ, मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि मैं कांप रहा हूँ सच्ची में। क्यों काम क्यों रहे हो आप? अरे यार मैं हरे हरे मीन्स अ लॉट, ऐसे ही अगर सपोर्ट मिलता रहा तो और भी आगे जाएंगे। मैं आपको सरप्राइज बता रहा था, सरप्राइज तो पहला सरप्राइज ये है, पीएस भैया से मिल लिया। आई एम योर बिग फैन टू। एनीवेज, आपने मेरा हाथ अगर देखा ही होगा तो मैं बिना जैकेट वैकेट लगा के इतना ठंड का मौसम पे 4:30 बजे मैं आया हूँ। और क्यों आया हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं यहाँ पे आया हूँ एल्पाइन स्टार का एक जैकेट लेने। तो दिस इज द जैकेट, एल्पाइन स्टार का है, बहुत ही मस्त जैकेट है, पर अनफॉर्चुनेटली ये साइज पे मुझसे बड़ा हो रहा है। मतलब मेरा जीवन पे जैकेट का नामो निशान नहीं है, जब भी मैं जैकेट लेने का प्लान करता हूँ कोई ना कोई एक कारण के वजह से कैंसिल ही हो जाता है। जैकेट का प्राइस कितना हो सकता है आप गैस करो? ओरिजिनल एल्पाइन स्टार है और अगर आपको खरीदना है ये और आपका आपको प्राइस चाहिए तो आप इनका इंस्टाग्राम पे DM कर देना, PS99 DM कर देना, तो आपको इसका प्राइस है ना वहीं पे मिल जाएगा। वैसे ये 5,000 रुपए वाला जैकेट है नहीं। एंड उसके साथ ये बाइक भी है फॉर सेल। चलो स्टार्ट दिया तो एक चक्कर भी मार के आएंगे अभी। तो इस बाइक को खरीदना है तो वापस से पीएस भैया को इंस्टाग्राम पे DM करना। एक साल होगा मार्च को और ओनली 5,032 एक साल भी हुआ नहीं है। अरे 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 सब्सक्राइबर्स से मुझे मिल गया चॉकलेट। आज भैया बोल रहे 20-25 दिन बाद जाके बाइक निकाला है एंड बाइक तो बहुत ही एग्रेसिव पोजीशन है इस बाइक का, मस्त है भाई, पिकअप मस्त है। एक्चुअली गाइस मैं बिना जैकेट का निकल गया था, मैं सोचा था मैं यहाँ से जैकेट लेके जाऊँगा, पर क्या है ना गाइस, जैकेट वैकेट साइज पे नहीं हुआ तो देने का प्लान हम लोग यहीं पे कैंसिल करते हैं। ओ भाई इसका सीटिंग पोजीशन मस्त है, देखने में लगता है ये बाइक बहुत ही छोटा है पर एक्चुअली ये बाइक का सीट हाइट बहुत ही ज़्यादा है। लुक्स बहुत मस्त है, सब कुछ मस्त है भाई, इस बाइक का सब कुछ मस्त है। ओ भाई मज़ा आ गया इसे चला के, तो चॉकलेट सब्सक्राइबर का। तो गाइस यहाँ पे जैकेट तो नहीं हुआ हमारा, तो ये प्लान को हम कैंसिल करते हैं यहाँ पे, यहाँ से सीधा चलते हैं हम घर। मिल के अच्छा लगा भाई, आज फर्स्ट मीट हुआ ना यार, ऐसे मतलब लास्ट ईयर से ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, मतलब इसको देख रहा हूँ, ये अपना सुजुकी का बेस्ट व्लॉगर है फॉर मी, हम इज वेरी पिक्चर। इस बंदे का पिक्चर क्वालिटी, इस बंदे का एडिटिंग स्किल, इस बंदे का प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल, इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं। अरे बाप रे, ठीक है चलो, हाँ बाय।
तो गाइस वैसे तो मैं घर पहुंच गया था एंड 6K स्पेशल पे आप लोगों के लिए हमने ये लाया अपना गैरेज पे। अब ये बाइक अपना गैरेज पे कर क्या रहा है, ये तो वैसे बासव भैया का बाइक है, आप सभी को पता है। यहाँ पे बासव भैया मेरे साथ है। हाय गाइस। और एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक कहानी बन गया। बासव भैया कल परसों जा रहा है, अगरतला जा रहा है, कल ही जा रहा है। उसका गैरेज पे बाइक स्टार्ट देने का कोई है नहीं, तो इसलिए अब भैया ने यहाँ पे बाइक। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जब ट्रेवल कर रहा था ना, तो मेरा बाइक पूरा बैटरी डाउन हो गया था, क्योंकि मैं 10-15 दिन के लिए था नहीं, तो पूरा बैटरी डाउन हो गया था। तो आज से मैं इस बाइक का ओनर बन गया। कितना दिन के लिए पता नहीं, अभी तो कितना दिन के लिए कोई श्योरिटी नहीं है। वैसे बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया है, 2-3 दिन बाद मैं स्टार्ट देते रहूंगा और भैया वहाँ से मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे GPS VPS सब लगा हुआ है। तो वैसे अभी हम लोग गैरेज को लगाते हैं एंड चलते ऊपर। ये बाइक घुसाने में सबका दम निकल गया, इतना बड़ा बाइक है, बाप रे बाप। तो गाइज विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस 6K स्पेशल वाला व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केतन व्लॉग।